जो है 3 बट्टा 10 है, तो संख्या ही ज्ञात करें। तो यहां मान लेते कि मान पहली संख्या जो है ना वह x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 15 माइनस 1, क्योंकि दोनों का योगफल आपका दिया हुआ है 15। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का यानी 1/x हो जाएगा और 1/15 माइनस x, इन दोनों का योगफल जो दिया है ना 3/10 दिया है, तो संख्या आएगा। चलिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू में 15 माइनस x, ठीक है, यहाँ 15 माइनस x और प्लस का x और बटा में 3/10, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, 15 बटा में 15x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 3/10, 3 × 5 = 15, इसको धो लेते हैं तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इक्वल टू में 15x माइनस का एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इन दोनों को इधर लेंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 50 = 0, एक्स को एक्स इसका फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5x और प्लस का 50 = 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस का 10 माइनस 5 कॉमन एक्स माइनस का 10, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, यहाँ से एक्स माइनस 10 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे एक्स और यहाँ माइनस का 5 = 0, अलग अलग कर लेते हैं, एक्स माइनस 10 = 0, एक्स माइनस 5 = 0, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, एक्स इक्वल टू में 10 और यहाँ पे एक्स इक्वल टू में 5, इसलिए पहली संख्या केस फर्स्ट ले लेते अलग अलग, केस फर्स्ट जब एक्स बराबर 10 तो पहली संख्या जो हो जाएगी वह एक्स थी यानी 10 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 15 - x थी यानी कि 15 - 10 यानी कि 5। फिर केस सेकंड लेते हैं जब x बराबर में 5 तो पहली संख्या जो हो जाएगी आपकी 5 और दूसरी संख्या जो हो जाएगी वह क्या है, दूसरी संख्या 15 - 5 यानी कि 10 हो जाएगा, समझ गए। तो नेक्स्ट